दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के बारे में आज एक अदालत लगा रहा हूं। अब निर्णय आपको करना है, न तो विरोध में न ही समर्थन में। आर्गुमेंट आपके सामने रख रहा हूं, पेश कर रहा हूं, तय आपको करना है। अरविंद केजरीवाल ने गलत किया, अरविंद केजरीवाल ने सही किया, अरविंद केजरीवाल के साथ गलत किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल के साथ सही किया जा रहा है। फैक्ट्स आपके सामने होंगे। हाईकोर्ट ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिया है। अभिषेक मनु सिंघवी की जो दलीलें थी उसको बारी बारी से हाईकोर्ट ने एक प्रकार से रद्दी की टोकरी में उठा करके फेंक दिया और उनकी एक नहीं सुनी। क्या क्या हाईकोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी, उस पे अदालत का ऑब्जर्वेशन क्या था, ये तो हम बताएंगे ही। लेकिन इस आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, या इतना उतावला क्यों है, आप हमें प्रॉपर चैनल के साथ हमारे पास आइए, हम आपको वक्त देंगे, हियरिंग होगी और उसके बाद फैसला दिया जाएगा, पक्ष में होगा या विपक्ष में होगा यह हियरिंग के बाद तय होगी। अब अरविंद केजरीवाल को वक्त 15 अप्रैल तक का मिल गया है। आज लेकिन बात हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की फजीहत को लेकर के बाद में करेंगे। आज द अरविंद केजरीवाल, जिनके बारे में आपके पास एक से एक वीडियो आपके पब्लिक डोमेन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, आपने सुना होगा, बच्चे की कसम खाने के कुर्सी में ही कुछ लगा हुआ है, चिपका हुआ है जो लोग छोड़ना नहीं चाहते, सुनीता की बातों में मत आना, मनीष भी अगर गलती करेगा तो जेल जाएगा, सतेंद्र भी गलती करेंगे तो जेल जाएंगे और मैं भी गलती करूंगा तो जेल जाऊंगा, इस प्रकार के मैं घर नहीं लूंगा, गाड़ियां नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खाता हूं, कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में आ गई हैं। जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं वो आपकी स्मृति में होगा, लेकिन वो आज मैं क्यों दिखा रहा हूं, जिनकी स्मृति थोड़ी कमजोर हो गई हो उन्हें ये दिखाना बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल कैसे आए, कैसे आगे बढ़े, अरविंद केजरीवाल को देश ने कितना सम्मान दिया और फिर अरविंद केजरीवाल की यात्रा आज तिहाड़ जेल तक पहुंच गई। उनकी यात्रा जो जंतर मंतर रामलीला मैदान से शुरू हुई थी, वो यात्रा कैसे तिहाड़ जेल तक पहुंच गई। अगस्त 2011 की मैं आपको मैं लिए चलता हूं, वही रामलीला मैदान जहां उस मंच पे किरण बेदी, कुमार विश्वास, आशुतोष गुप्ता उस वक्त पत्रकार की हैसियत में TV18 के लिए पत्रकारिता करते थे, वो बतौर एडिटर वहां मौजूद थे, उनके कितने साथी योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, प्रोफेसर आनंद कुमार, प्रोफेसर अजीत झा, ऐसे बहुत सारे साथी, बाद में मयंक गांधी, बाद में संतोष हेगड़े, बहुत सारे साथी उनके साथ जुड़े, सारे मौजूद थे। क्या क्या हुआ आज मैं स्मृति आपको दोहराना चाहता हूं और उसके बाद अदालत के आर्गुमेंट पर आज अरविंद केजरीवाल ने अपनी स्थिति ऐसी क्यों बना ली। ईमानदारी से कह रहा हूं कि एक समय में जब मैं स्वयं, जब अरविंद केजरीवाल अनशन पर बैठे थे पूर्वी दिल्ली में, एक बहुत ही गरीब बस्ती में वो बैठे थे, मैं भी वहां गया, उनके साथ बैठा, उनको देखा, उनका वजन कम हो रहा था, दुबले पतले हो गए थे। जब मैं वहां से लौटा तो एक टेलीविजन चैनल के स्टूडियो में लौट करके मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल संत हैं,
लेकिन आज मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि अरविंद केजरीवाल के बारे में मैं आपको आज इन सारी रिपोर्टों का हवाला दूंगा। अगस्त 2011 रामलीला मैदान की पहले ये साउंड बाइट सुनिए आप। भाई और बहनों, 1942 में हमारे देश में एक क्रांति हुई थी और उसके उस क्रांति के कारण गोरा अंग्रेज इस देश से चला गया। अंग्रेज चला गया लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई, लूट खत्म नहीं हुई। इसलिए आजादी की दूसरी लड़ाई की शुरुआत हो गई, अभी यह दूसरी क्रांति की शुरुआत है। और देश के सभी लोगों ने, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे युवा युवती, स्कूल के छात्र, इन सब ने ये जो मशाल जलाई है, इस मशाल को कभी भी बुझने नहीं देना, कभी बुझने नहीं देना। चाहे अन्ना हजारे रहे नहीं रहे, लेकिन मशाल जलते रहेगी, एक क्रांति की मशाल जलते रहेंगी। अभी एक लोकपाल नहीं, इस देश में पूरा परिवर्तन लाना है। ये परिवर्तन की एक लड़ाई, देश का जो गरीब है, वो गरीब आदमी को हम कैसे न्याय दे सकेंगे, इसके बारे में सोचना है। गरीब आदमी के लिए न्याय देने के लिए ये क्रांति अभी शुरुआत हो गई है। मैं इस वक्त ज्यादा ना बोलूंगा क्योंकि 4 दिन में मेरा वेट 3 केजी कम हो गया, लेकिन फिर भी आप लोग जो आंदोलन चला रहे हैं देश में, वो आपके सब ऊर्जा मुझे मिल रही है, सब ऊर्जा मुझे मिल। आप लोग जो आंदोलन चला रहे हैं देश में, वो आपके सब ऊर्जा मुझे मिल रही है, सब ऊर्जा मुझे मिल रही है। युवा शक्ति हमारी राष्ट्र शक्ति है। अरे, इंडोनेशिया के क्रांति किया वो युवकों ने किया है। एक जापान की जो राख बनी थी, राख के ढेर से जापान खड़ा हो गया और दुनिया को कह रहा है विकास कैसे करना है हमारे तरफ देखो। जैसे कई देश बनाया है वो युवकों ने बनाया है, और मेरा आशा स्थान युवक है। मुझे पूरा विश्वास है इस देश का युवक जग गया है, अभी इस समाज को, इस देश को उज्जवल भविष्य दूर नहीं है। हम भविष्य देकर ही छोड़ेंगे। जिन गद्दारों ने इस देश को लूटा है, जिन गद्दारों ने इस देश को लूटा है, अभी हम बरखा बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अपनी आजादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अन्ना हजारे, अन्ना हजारे, जिंदाबाद। ये अगस्त 2011 का वीडियो है। कैमरे के फ्रेम में आप पीछे में गमछा ओढ़े हुए, गन्ने की कड़ी बुनियाद जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।